Hello friends, good evening. Today we will do one topic, name is decimal expansion. हम लोग decimal expansion करेंगे और सीखेंगे कि कैसे इसको करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग को पता है decimal numbers, जब हम लोग find out किए थे हमें क्या पता था कि जो decimal numbers है वो कितने types के हो जाते हैं. Two types के हो जाते हैं. एक आपका हो जाता है terminating, एक आपका होता है non terminating. जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो भी दो टाइप्स का हो जाता है, एक रिकरिंग एक होता है आपका नॉन रिकरिंग. यही कुछ टाइप्स होते हैं आपके डेसिमल एक्सपेंशन के. तो सबसे पहले जब हम लोग का नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग नेचर का होगा. जब हम लोग का नंबर टर्मिनेटिंग नेचर का होता है, और टर्मिनेटिंग नेचर क्या होता है, हम रिकॉल करवा देते जो कि खत्म हो जाता है एक पॉइंट पे. फॉर एग्जाम्पल 400 बाई 4 नहीं, फॉर एग्जाम्पल 40 और यहाँ पे 4 लेते हैं तो ये तो 10 हो जाएगा. क्या 8 लेते हैं, 8 5 40, ये तो आपका नॉर्मली फुल डेसिमल है. लेकिन नॉर्मली एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 0.625. हाँ, तो लेके देखते हैं जैसे कि जो ख़त्म हो जाए, जैसे कि 0.42 यहाँ पे ख़त्म हो जाए, इसके आगे बढ़े ना टर्मिनेटिंग हो गया. 0.66 यहाँ पे खत्म हो जाए, 0.42 खत्म हो जाए, 0.77 खत्म हो जाए. ये सारे नंबर जो एंड हो जाए, जो काटने के बाद एंड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नेचर का बोलते हैं. तो एग्जांपल लेते हैं हम किसको, कैसे इसको पी वाई इनको क्या करना है. जब हम लोग का डेसिमल एक्सपेंशन, जब हम लोग का बेहतर नंबर इज इन टर्मिनेटिंग नेचर, हम लोग को पी वाई क्यू के फॉर्म में निकालना है. ठीक है, हम लोग को क्या करना है, पी वाई क्यू के फॉर्म में निकालना है. तो सबसे पहले एग्जांपल लेंगे 0.625 का. तो इसमें क्या करेंगे, 60625 डिवाइडेड अपॉन 1000 ऐसा होगा. हम 5 से कट करेंगे, तो अगर हम डायरेक्टली 25 से करें तो ये मेरा 25 होगा और ये मेरा हो जाएगा 40. क्लियर. और ये 5 से करें तो 558, यानी कि 5/8 आ रहा मेरा. हाँ, अगर हम लोग इसका देखते पाइपिंग, तो हम लोग का पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या आ गया, 5/8 आ गया. 5/8 क्या है, हम लोग का पी बाई क्यू के फॉर्म में. तो इसी तरह से हम जो भी टर्मिनेटिंग नेचर का रहता है उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लेके आते हैं. क्लियर. दूसरा नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो मेरा जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 0.0375 अगर हम लेते हैं, 0.0375 अगर इसका लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो 375 ऊपर नीचे डिवाइड में क्या 1/40 हो जाएगा. अब 40 को कट करेंगे, हम कैसे काटेंगे, 5 7 25 5 25 5 5 25 5 2 10 0 हो गया. अगेन 5 से 5 1 5 5 5 25 5 4 20 0 0 अगेन 5 से 5 3 15 5 8 40 0. तो ये क्या हो जाएगा, 3/40. तो ये क्या है, मेरा पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है. तो इस तरह से हम कोई भी टर्मिनेटिंग नेचर के जो भी डेसिमल रहते हैं उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लेके आते हैं. क्लियर. नेक्स्ट आपका, जब हम लोग का नंबर नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिपीटिंग जिसको बोलते हैं. जैसे कि देखो नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप होता है, रिपीटिंग रिकरिंग नॉन रिकरिंग. रिकरिंग क्या, जैसे कि एक ही नंबर रिकर जैसे कि 3 के बाद 3 3 3 3 इस तरह से होते बढ़ते गए, 0.6666 इस तरह से बढ़ते गए, जैसे 0.42 के पावर में 12 है तो क्या है 0.42222 ये बढ़ते. इस तरह के क्वेश्चन जो भी रहते हैं डेसिमल वो क्या हो जाते हैं, रिकरिंग में आ जाते हैं आपके. लेकिन जो भी नॉन रिकरिंग होता है वो क्या होता है, वो आपका रिपीट नहीं करता. जैसे 0.3276 ये मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये कभी भी क्या करते ये नहीं करते. मतलब कभी भी हम लोग को मतलब कभी भी ये नंबर्स क्या होते हैं, मतलब वही नंबर नहीं आता जो हम लोग का रहता है. ठीक है, जैसे कि 0.47 और जैसे कि पाई का अगर वैल्यू होता है ये कितना होता है 3.1427 5 समथिंग आ जाएगा. तो ये क्या हो जाता है, मेरा नॉन रिकरिंग में हो जाता है. तो
तो इस तरह के जो भी नंबर्स रहते हैं क्या हो जाते हैं, मेरा नॉन रिकरिंग फॉर्मेट में हो जाते हैं. व्हेन द नंबर इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, प्योर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग लिखते हैं, प्योर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, प्योर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर. तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी हम लोग को ऐसा रहता है और उसको हमको P by Q के फॉर्म में निकालना रहता है, P by Q के फॉर्म में निकालना रहता है, तो हमें क्या करना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम 0.3 के ऊपर में बार लेते हैं, ठीक है, 0. ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, 0. ये क्या हो गया, ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग बार है, इसका मतलब ये क्या मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है और ये मेरा रिकरिंग नेचर का है. क्यों? क्योंकि ये मेरा सेम नंबर बढ़ते जा रहा है, सेम नंबर, यानी कि ये क्या हो 0.33333, इसी तरह से आपका इंक्रीज होते जाएगा. क्लियर? तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.33 के ऊपर में बार, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 10, मल्टीप्लाई उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई विथ 10. अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3.33333, यही हो जाएगा, ठीक है. अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, 1 इक्वेशन यहाँ पे 2 देते हैं, हम 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 मेरा ये है, इससे जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा, 9x बचेगा, इज इक्वल टू, जब इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, ये भी तो मेरा 3333333 है, ठीक है, इधर का सारे 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या मेरा, सिर्फ एक ही 3 बचेगा. क्लियर? तो x क्या हो जाएगा मेरा 3/9 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, तो ये मेरा आ गया P/Q के फॉर्म में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट क्या होगा कि अगर हम इसको, अगर हम कुछ और क्वेश्चन ले, सपोज 1.567, अगर हम ये क्वेश्चन ले और ये तीनों के ऊपर में हम बार लगाते हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि पॉइंट के बाद क्या है, 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले तो लेट एक्स इज इक्वल टू 1.567 के ऊपर में बार, क्लियर, उसके बाद मल्टीप्लाई विथ 1000, हम 1000 से मल्टीप्लाई करें, 1000 से क्योंकि एक पॉइंट के बाद मेरा 3 डिजिट है और 3 के ऊपर में बार है, तो 1000 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1000x इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.576, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1567 पॉइंट, फिर अगेन 567 हो जाएगा, इसके ऊपर में बार हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये नंबर तो मेरा रिपीट कर रहा है ना, ये नंबर मेरा रिपीट कर रहा है, 1.567 ऐसे करके 567 ऐसे करके, तो मेरा पॉइंट क्या है, मेरा यहाँ पे है 1000 से ये किए तो मेरा क्या पॉइंट खसक जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा, तो खसक जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा 1567.567 के ऊपर में बार हो जाएगा. अब हमको क्या करना है, अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो हम किसको करेंगे, 2 को 2-1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा मेरे पास, जब ये 1000 से 1x माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 999x, यही बचेगा, और इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा मेरा, जैसे कि 1567.567, क्लियर, ये 567 और उसमें सबको इसको माइनस करना है, यानी कि 1.567567, तो इधर का जितना है क्या मेरा सब 0-0 हो जाए, तो इधर क्या बचेगा 6651 6651 1566 1566, यही बचेगा, तो x क्या हो जाएगा मेरा 1566/999, यही होगा मेरा x, और उसको हम कट कर दें और प्योर के प्योरेस्ट फॉर्म P/Q के फॉर्म में ला सकते हैं आराम से, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या है x है. क्लियर?
नेक्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल देन एक्सप्लेन। अब हम लोग रिकरिंग में थे, अब हम लोग नॉन रिकरिंग हो जाएंगे। हम लोग अभी तक रिकरिंग में थे, अभी नॉन रिकरिंग हो जाएंगे। नाउ अगर ये हम लोग को क्या है, प्योर रिपीटिंग हो गया, प्योर रिकरिंग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स रिपीटिंग अगर करना चाहेंगे, मिक्स रिपीटिंग अगर फॉर्मेट को अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग का हम रिकरिंग में है, और रिकरिंग में भी आपका एक प्योर हो जाता है, एक मिक्स्ड हो जाता है। तो जो प्योर है वो तो आपका जैसे पॉइंट के बाद ही वो बाद लग जाएगा, ठीक है, उसके बाद ही नंबर रिपीट होगा। लेकिन जो मिक्स होता है जैसे 1.23 इसके ऊपर बाद रहेगा, तो यानी कि 1.22 फिर 3 उसके ऊपर बाद रहेगा, इसको बोलेंगे मिक्स्ड रिपीटिंग। जो मतलब पॉइंट के बाद तुरंत आपका मतलब स्टार्ट ना हो जाए रिपीट होना, वो एक या दो नंबर छोड़ के हो, ठीक है। तो जैसे कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अब देखेंगे। तो जो भी मेरा मिक्स रिकरिंग रहेगा, फॉर एग्जाम्पल वन क्या ले सकते हैं, 1.53 लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो जब भी मेरा मिक्स रिपीटिंग रहेगा तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको प्योर रिपीटिंग बनाएंगे। प्योर रिपीटिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 10। जब हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, ये मिल जाएगा मेरा x, अगर आपका रहेगा 1.53 के पर बार, अगर हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, 10x, और यहाँ पे हो जाएगा 15.3 के ऊपर में बार, ठीक है। अब हमें क्या प्योरेस्ट फॉर्म आ गया। अब जैसे हम नॉर्मल जो करते हैं उसी करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन मल्टीप्लाई विथ, अब हमें क्या मिला, प्योर फॉर्म मिला रिकरिंग का। अब हमें इसके बाद हमें फिर से p by q के फॉर्म में लेके आना है, तो क्या करेंगे, अगेन रिपीटिंग बाय अगेन मल्टीप्लाइंग बाय अगेन, इसको मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हम इसे p by q के फॉर्म में लेके आए, अगेन मल्टीप्लाइंग बाय, अब इसको 10 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पॉइंट की बात क्या है, एक ही नंबर है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पे 10 करेंगे तो 1.33 या फिर कहना 3 के ऊपर में बार, ठीक है। अब मेरे पास ये है और ये है, ठीक है, अब मेरे पास ये नंबर है और ये नंबर है, तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब 2 से 1 को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या बचेगा, 90x, और इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से जब हम इसको माइनस करें तो इधर पॉइंट के बाद तो सारा 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 13 15 ना 12 13 5 4 8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कैरी हो जाएगा 138 ओनली, तो x इज इक्वल टू 138/90, क्लियर। हाँ ठीक है, चलिए 138/90, तो इसको अगर हम काट सकते हैं तो काट लेंगे 2 से, और मेरा जो भी लास्ट में बचेगा वो क्या देगा, p by q के फॉर्मेट में मिलेगा। ये तो x is equal to क्या हो गया, 138/90 हो गया, 138/90 हो गया। हम लोग कट कर सकते हैं इसको, x is equal to 138/90, इसको कट करेंगे कितना मिलेगा, नीचे 45 हो जाएगा, ऊपर 2 से 2, 6 से 12, 2, 9 से 18, ओके, अगेन 3 से कटेगा, तो 3, 2 से 6, 3 से 9, 3, 1 से 3, 3, 5 से 15, ओके, तो 23/50, ये मेरा क्या हो गया, टी बाई टू के फॉर्म में आ गया, दिस इज माई आंसर, क्लियर। तो जो भी मिक्स रिकरिंग रहेगा उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो भी मेरा मिक्स रिकरिंग रहेगा उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो नाउ वी विल स्टडी, वी विल, अब तो हम लोग प्योर समझ गए, मिक्स समझ गए, प्योर समझ गए, मिक्स समझ गए। अब हमें क्या, नॉन रिकरिंग, अब नॉन रिकरिंग हमें पता है क्या है, नॉन रिकरिंग क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये फॉलोली हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते, ठीक है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है ये डेसिमल एक्सटेंशन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन इसी के अंदर हो जाएंगे कवर आपके। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा वो है एक्सपोनेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा वो है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है,
एक्सपोनेंट नेम से ही पता चला जिसमें एक्सपेंड किया जाए, जिसमें एक्सपेंड नॉर्मल किया जाए। तो नॉर्मली क्या हो जाता है, अगर आप मान लीजिए 10 के पावर में 3 रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, 10 आपका मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स, यही है ना इसका मतलब। तो इसका मतलब ये है कि 10 जो नंबर है ये में 3 टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या है, ये मेरा एक्सपेंड एक्सपोनेंट है। 10 के पावर में अगर आपका 10 के पावर में अगर 10 रहेगा, तो इसका मतलब मेरा जो 10 नंबर है मेरा क्या है, 10 बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब इसी को बोलते हैं हम एक्सपोनेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। क्लियर, वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज एक्सपोनेंट। हियर इज एक्सपोनेंट डेफिनेशन। हम लोग अभी जैसे कि पढ़े क्या है, जैसे कि x का अगर स्क्वायर करें तो x इंटू x हो जाता है, तो जितना बार जितने टाइम्स ये क्या हो रहा है, नंबर अपने आप में मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। कि हम एक्सपोनेंट क्या है, मतलब वो कितने टाइम्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर सेज हाउ मेनी टाइम्स टू यूज द नंबर इन अ मल्टीप्लीकेशन, इस नंबर को हम कितना बार मल्टीप्लाई करें, कितनी बार मल्टीप्लीकेशन में यूज करें, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 के पावर में अगर 100 आया तो क्या एक्स क्या होता है, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 100 टाइम्स। क्लियर, अब इसके कुछ लॉज है, इसके कुछ लॉज है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉर्मली आपका आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल में ये टॉपिक मिलेगा, एंड दिस टॉपिक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और मेरे ख्याल से ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो थोड़ा किसी किसी बुक में नहीं रहता है, बट एक्सपोनेंट इज अ बेसिक एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लास 9। तो वन में क्या है लॉ, सबसे पहला लॉज क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले तो जब a के पावर में n मल्टीप्लाई a के पावर में n, अगर दोनों का बेस सेम रहे और पावर डिफरेंट रहे, तो हम लोग का क्या हो जाता है, a इज इक्वल टू m प्लस n, a इज इक्वल टू m प्लस n हो जाता है। क्लियर, जब हम लोग का a के पावर में n मल्टीप्लाई का साइन रहेगा बीच में और a के पावर में n, तो ये क्या हो जाता है, a इज इक्वल टू m प्लस n हो जाता है। एडिशन मतलब मल्टीप्लीकेशन इज कन्वर्टिंग इन एडिशन, कब कहां पावर पे कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जब आपका a के पावर में m और a के पावर में n लेते हैं, a के पावर में m और a के पावर में n लेते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे मेरा यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाता है, तो a क्या हो जाएगा m माइनस n। जहां पे भी मल्टीप्लीकेशन रहता है वहां मेरा एडिंग हो जाता है, जहां पे भी डिविजन रहता है वहां मेरा सब्ट्रैक्शन हो जाता है। क्लियर, और उसके बाद जब इस तरह से रहेगा a के पावर में m, ये थर्ड लॉ है, a के पावर में m इन ब्रैकेट उसके पावर में n रहेगा, तो क्या हो जाता है, a के पावर में m m m n, ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। a के पावर में m n ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सपोज 2 के पावर में यहाँ पे 2 है और उसके बाद 2 के पावर में 2 है और बाहर में भी क्या है 2 है, ठीक है, ब्रैकेट के बाद भी 2 है, तो क्या हो जाएगा, मेरा 2 के पावर में 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 4 हो जाएगा। ओवरऑल क्या आंसर हो जाएगा, 2 के पावर में 4 हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट जब डिवीजन में जाते हैं, जब a के पावर में n और b के पावर में भी n रहता है, मतलब अभी मेरा यहाँ क्या है, यहाँ सब यहाँ तक क्या था, मेरा पावर अलग था लेकिन जो मेरा बेस है a, ये मेरा कॉमन था, ये मेरा सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ मेरा पावर डिफरेंट है, पावर मेरा डिफरेंट है, सॉरी पावर सेम है और यहाँ पे बेस मेरा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या था, पावर डिफरेंट था, बेस सेम था, यहाँ पे मेरा बेस अलग है, पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बाय b और होल के पावर में n, मतलब पावर क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर, जब भी किसी के भी पावर में 0 हो, कोई भी नंबर किसी भी नंबर के पावर में 0 हो, तो क्या देता है, हमें हमेशा 1 देता है। ये आपका फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। नेक्स्ट 6 नंबर में, जब भी आपका 1/a के पावर में n रहे, 1/a के पावर में n रहे, तो क्या हो जाता है, ये जो नीचे में है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा और ये माइनस में n हो जाता है, ये माइनस में n हो जाता है। दीज आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, ये 6 नंबर हो गया। 7 नंबर में क्या है, जब भी a के पावर में माइनस n रहे, मतलब सिमिलर है, जस्ट इसका ऑपोजिट है, अगर ये a के पावर माइनस n रहेगा तो ये ऑपोजिटली क्या हो जाएगा, 1/a के पावर में n हो जाएगा, ठीक है।
ये इसका ओपोजिट है, दिस आर वाइस वर्सा, दिस आर वाइस वर्सा, ठीक है। एट नंबर में क्या है, ए के पावर में एम इज इक्वल टू ए के पावर में एन है, यानी कि बेस क्या है मेरा सेम है, पावर डिफरेंट है, और अगर इक्वल हो तो हम क्या कर सकते हैं, मेरा जो एम है इक्वल में क्या है एक्स, अगर ए के पावर में एक्स और ए के पावर में एम रहे तो ये मेरा एम इज इक्वल टू एक्स हो जाता है, यानी कि दोनों बेस अगर सेम हो और वो इक्वल हो तो उनके पावर भी क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, पावर भी क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, क्लियर। अगर हम कुछ एग्जांपल्स दें इसके ऊपर तो हम कैसे लेंगे, अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें इसके ऊपर तो हम कैसे ले सकते हैं, जैसे कि a के पावर में m इंटू ए के पावर में n, अगर हम 2 के पावर में 3 इंटू 2 के पावर में 4 लेते हैं तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, हमें पता है कि ये क्या है बेस सेम है लेकिन मेरा क्या पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 2 के पावर में 7 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लॉज वन लॉ के अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्लियर। सेकेंड नंबर में जैसे कि यहाँ पे क्या है 2 के पावर में n है, 2 के पावर में हम 3 लेते हैं बाय डिवाइड है 2 के पावर में n है, यानी कि हम यहाँ पे 4 लेते हैं, अलग अलग है आपको बेस सेम है पावर क्या है डिफरेंट है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है पावर माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो सबसे पहले ऊपर में पावर लिखते हैं माइनस, ऊपर माइनस 4 करेंगे तो ये क्या बनेगा मेरे को 2 के पावर में माइनस 1 बनेगा। अब हमें पता है कि ये किस फॉर्मेट में आगे आ गया, अब ये इस फॉर्मेट में आ गया नंबर 7 नंबर फॉर्मेट में आ गया, तो अब इसको हम आराम से कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 के पावर में 1 यानी कि 1 अपॉन 2, क्लियर। यानी कि हम एक ही क्वेश्चन में दो लॉज यूज कर लिए, एक ही क्वेश्चन में दो लॉज यूज कर लिए, क्लियर। अब उसी तरह अगर हम a के पावर में mn यानी कि 2 के पावर में 3 और उसके पावर में 4 करेंगे तो क्या बचेगा 2 के पावर में 3 इंटू 4 यानी कि 2 के पावर में 4 3 इज 12, 2 के पावर में 12 हो जाएगा, तो ये क्या है थर्ड लॉ को ये प्रूफ करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फोर्थ नंबर, अगर ये 2 के पावर में 3 बाई 3 के पावर में आपका 3 रहता है, मेरा क्या है यहाँ पे पावर सेम है बेस डिफरेंट तो टू क्या हो जाएगा मेरा 2 बाई 3 के पावर में होल का 3, ठीक है 2 बाई 3 के पावर में होल का 3, ये क्या हो गया फोर नंबर हो गया। ये तो बहुत इजी है, कोई भी नंबर 2 के पावर में 0 ले तो 1 आएगा, 3 के पावर में 0 ले तो 1 आएगा, 4 के पावर में 0 ले तो क्या आएगा 1 आएगा, किसी के भी पावर में हम 0 ले तो क्या हमें देगा वो 1 ही देगा, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स नंबर, इसमें क्या है 1 अपॉन, ये तो हम एक बार प्रूफ कर चुके लेकिन अभी 2 के पावर में अगर 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 2 के पावर में माइनस 3 हो जाएगा, क्लियर। अगर ये 1 अपॉन 4 के पावर में 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 के पावर में माइनस 4 हो जाएगा, इस तरीके से, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करें 7 नंबर तो क्या हो जाएगा 2 के पावर में माइनस 3 रहेगा तो ये 1 अपॉन 2 के पावर में 3 हो जाएगा, क्लियर। जब ये 4 के पावर में माइनस 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 अपॉन 4 के पावर में 4 हो जाएगा, यानी कि ये इस पे कन्वर्ट हो गया ये इस पे कन्वर्ट हो गया ये दोनों एक दूसरे के क्या है वाइस वर्सा। नेक्स्ट लास्ट वन अगर हम प्रूफ करें तो ये a के पावर में m है यानी कि 2 के पावर में 3 इक्वल टू हम करते हैं 2 के पावर में हम x करते हैं, ठीक है 2 के पावर में x तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा 3 इक्वल टू x है, x इज इक्वल टू व्हाट 3, तो ये मेरा क्या है एक नंबर। तो इस तरह के लॉज है और इन्हें हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ये कुछ लॉज है, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लॉज एंड हम लोग अब देखेंगे कि इसके हम किस तरह से हम इस पे क्वेश्चन करते किस तरह से हम इस पे क्वेश्चन करते किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सो अब हम एक्सपोनेंट का क्वेश्चंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोनेंट का हम क्वेश्चंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे 4 a टू द पावर 4 b टू द पावर 3 का होल में 5 इंटू 8 इज 6 a के पावर में 3 b के पावर में 2 होल का पावर में 4 और इसी प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो जो मेरे नंबर्स होते हैं उन्हें हम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो मेरे नंबर्स होते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 4 जा 24 हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या है a है, a के पावर में क्या है 5 4 जा 20 और उसके बाद क्या है मेरा b है, b में क्या है 5 के पावर 15 5 3 जा 15 हो गया। अब अगेन मल्टीप्लाई
अब ये क्या है, ए के पावर में 3 है, 4 3 जा 12, यहाँ 12 है, और ये क्या है बी के पावर में 4 2 जा 8, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऐसे आ गए। अब हमारे पास दो ए है दो बी है, दो ए है और दो बी है, ये 24 का तो 24 हो जाएगा, जो ए है उन्हें उनका तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्या है बेस सेम है। हमारा जो लॉज है उसमें जो पहला नंबर का लॉज है उसमें यही बताता है कि अगर हम लोग का बेस सेम रहेगा तो हम लोग का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पावर, ए के पावर में 20 प्लस 12, क्लियर। और बी में क्या हो जाएगा आपका 15 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा होल पावर 24, ए के पावर में 32, बी के पावर में 23, क्लियर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्लियर। इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये डिवाइड में है तो हम क्या देख रहे हैं, ये ए बी का स्क्वायर इन ब्रैकेट -6 ए के पावर में 4, ए बी के पावर में 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए बी के पावर में स्क्वायर -6 ए बी के पावर में 4, ठीक है, डिवाइड बाय 12 ए के पावर में 2 बी के पावर में 3, ए के पावर में 2 बी के पावर में 3। तो सबसे पहले तो ये 6 से डिवाइड होगा, 6 2 जा 12, ठीक है। अब नीचे मेरा 2 है, ठीक है, ऊपर माइनस का, तो -1/2 लिखते हैं अगेन। अब देखते ए है इधर और ए है इधर, तो ए के पावर में क्या है मेरा यहाँ पे नॉर्मली 1 है, क्योंकि ए के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये मल्टीप्लाइड में है तो मतलब क्या है, ए के पावर में यहाँ भी 1 है, ए के पावर में यहाँ भी 1 है, तो मतलब क्या है मेरा ए के पावर में क्या है 2 है, ठीक है। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बी के पावर में 2 यहाँ है और ये बी के पावर में 4 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा बी के पावर में 6 हो जाएगा, क्लियर। मतलब 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, और ये मल्टीप्लाई के टर्म में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे ए के पावर में 2 बी के पावर में 3, ए के पावर में 2 और बी के पावर में 3 है, ठीक है। अब देखिए 1/2 तो ये एडिटिव है, अब ये क्या है ये कॉमन है, लेकिन हमें क्या करना माइनस करना, ए के पावर में 2 -2 करना होगा, क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या है नीचे भी 2 है ऊपर में भी क्या है 2 आया है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा b के पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 है तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 1 - 1/2 a के पावर में 0 मल्टीप्लाई b के पावर में क्या 3। अब a के पावर में 0 क्या देगा 1 देगा मेरे को 1/2, तो ये 1 हो जाएगा और b के पावर में 3, यानी कि -1/2 b के पावर में 3, क्योंकि a के पावर में 0 था तो वो 1 हो गया, क्लियर। We will do some more questions. अब हमारे पास दोनों का बेस क्या है सेम है,
दोनों का बेस क्या है सेम, तो ऊपर वाले को हम क्या करेंगे नॉर्मली ऐड कर लेंगे, तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा n प्लस 2n प्लस 2n प्लस 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 2 के पावर में n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2 यही हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 2n प्लस प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट इधर हम ग्राफ करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है मेरा 2n और n है, तो क्या होगा दोनों को ऐड करके क्या बचेगा 3n बनेगा, 3n प्लस 2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 के पावर में ये है n और ये 3n क्या हो जाएगा 3n माइनस 3, 3n 3n माइनस 3, 3n माइनस 3 हो जाएगा, यही आ जाएगा मेरा। अब ये क्या है मेरा दोनों डिवीजन में, डिवीजन में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो क्या हम क्या करेंगे 2 के पावर में 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3, क्योंकि क्या किया हम माइनस कर दी इस पावर से, इस पावर को माइनस कर दी हमें इतना आ गया, ये माइनस में हो गया प्लस में हो गया। अब हम ये इसको और इसको हटा देंगे, क्यों, क्योंकि कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 प्लस 3 क्या हो गया 2 के पावर में 5, दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। हियर we will do some more, suppose अगर question इस तरह से हो 3 के power में x plus 1, 9 के power में x minus 3, तो क्या लिखेंगे हम 3 को, तो 3 एडिटिव रखेंगे x plus 1 और ये 9 को हम convert कर देंगे 2 और इसके power में 2 और ये whole के power में क्या हो जाएगा x plus 3, sorry x minus 3, तो ये 3 के power में क्या हो जाएगा x plus 1 इज इक्वल टू, ये 3 के पावर में क्या हो जाएगा 2x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये और ये बेस इक्वल है तो क्या हो जाएगा आपका पावर सेम हो जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। इसमें क्या है इन सब क्वेश्चंस में क्या है ना हम लोग को x फाइंड आउट करना, हम लोग को फाइंड आउट x करना है, x क्या करना है x निकालना। ठीक है, फाइंड the value of x, हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हम लोग ऐसे के अब ये वाला x इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा इधर x बचेगा इधर आएगा तो प्लस होगा 7, यानी कि x इज इक्वल टू हम लोग को यहाँ क्या मिल जाएगा 7, दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे 5 के पावर में 2 के पावर में 2 के 2x प्लस 3 हो जाएगा, 5 के पावर में 2x प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 है। वन कब आता है, वन कब आता है जब हम लोग किसी के भी पावर में जीरो करते हैं, तो फाइव के पावर हम क्या करेंगे जीरो करेंगे, तो अगर इसी पावर में जीरो करेंगे तो फाइव फाइव तो आपका क्या बेस सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब एक्स निकालना है तो क्या करेंगे टू एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर, नेक्स्ट इसको हम कैसे करेंगे, ये फोर के पावर में क्या है टू एक्स है, फोर के पावर में क्या है टू एक्स है, तो हम इसको 2 के पावर में लेके आएंगे, 2 के पावर में क्या हो जाएगा 2 और उसके पावर में 2x हो जाएगा, यहाँ भी हम 2 के पावर में लेके आएंगे 2 के पावर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 के पावर में 3 है तो क्या हो जाएगा अपोजिट ऊपर जाएगा तो क्या 2 के पावर में माइनस का 3 हो जाएगा, इसका मतलब 4x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू व्हाट माइनस 3 बाई 4, x इज इक्वल टू व्हाट माइनस 3 बाई 4, आंसर इज माइनस 3 बाई 4। क्लियर, अगर हम उसी तरह फोर नंबर पे आते हैं तो ये क्वेश्चन है जैसे कि, तो फाइव के पावर में इसमें क्या हो जाएगा फाइव एक्स है तो फाइव एक्स ही रहने देते हैं, उसके बाद ये फाइव के 25 है, 25 के पावर में यानी कि फाइव के पावर में 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो फाइव के पावर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 625 625 यानी कि फाइव के पावर में क्या होता है 4 इज इक्वल टू 625 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2x, 5 के पावर में 2x, 5 के पावर में 2x और इधर हो जाएगा आपके 5 के पावर में 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया ऊपर का मेरा सारा का सारा क्या हो गया 5 के पावर में आ गया, और सारे के सारे हम यहाँ सॉल्व करेंगे, अब हमें क्या करना सारे पावर्स को क्या करना है ऐड करना, तो 5 के पावर में
फाइव एक्स प्लस क्या है, फाइव प्लस फोर, फाइव के पावर में फाइव एक्स प्लस फाइव प्लस फोर यही होगा, डिवाइडेड बाई क्या है, फाइव के पावर में टू एक्स इज इक्वल टू फाइव के पावर में नाइन, ठीक है। तो अब इनको ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, फाइव के पावर में फाइव एक्स प्लस नाइन होगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, फाइव के पावर में टू एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू फाइव के पावर में नाइन हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसका बेस सेम है, मेरा बेस सेम होता तो क्या होता है, पावर में यार पावर डिविजन में सब्ट्रैक्ट होता है, तो फाइव के पावर में क्या हो जाएगा, फाइव एक्स प्लस नाइन माइनस टू एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव के पावर में नाइन, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव के पावर में थ्री एक्स प्लस नाइन, फाइव के पावर में थ्री एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू फाइव के पावर में नाइन, क्लियर। अब अगेन मेरा दोनों का बेस सेम हो गया तो क्या हो गया, फाइव के पावर में ये क्या था, थ्री के पावर थ्री एक्स प्लस नाइन थी ना, अब हम इसे क्या था? पावर को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू नाइन हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू नाइन, ये नाइन जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स इज इक्वल टू नाइन माइनस नाइन दैट इज जीरो, थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो यानी कि एक्स इज इक्वल टू होगा क्या हो गया यहाँ पे जीरो, क्लियर, कोई डाउट, आई डोंट थिंक होगी। वी विल डू वन मोर प्रूफ, ठीक है। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन क्या है, x के पावर में a डिवाइडेड बाय x के पावर में a डिवाइडेड बाय x के पावर में b, ठीक है, इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का हो जाएगा आपका b स्क्वायर, ठीक है, अगेन बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, x के पावर में हो जाएगा b डिवाइडेड बाय x के पावर में हो जाएगा c, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, नेक्स्ट आपका हो जाएगा एक्स के पावर में सी डिवाइडेड बाय एक्स के पावर में ए, इन ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, इसको हम लोग को क्या प्रूफ करना है, इसको हम लोग को प्रूफ करना है ये मेरा क्या है वन है, ये मेरा क्या है वन है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, वी विल सॉल्व इट नाउ। ठीक है, अब हमारे पास अब ये सारी चीज है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे डिवीजन है, ठीक है, यहाँ पे डिवीजन है और यहाँ पे पावर है, या फिर हम इसके पावर को मल्टीप्लाई करते, सबसे पहले पावर मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, ए के पावर में एक्स के पावर में ए के पावर एक्स के पावर में क्या हो जाएगा, ए के पावर में आपका क्यूब हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स के पावर में ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन इसमें बी को भी मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर में ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स के पावर में बी का क्यूब प्लस बी का स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा एक्स के पावर में सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर सी हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, अगेन यहाँ पे बी छोड़ गया मेरा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब अगेन, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे सी को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे सी का क्यूब मिलेगा, सी का क्यूब मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको भी करें मल्टीप्लाई में, एक्स के पावर में क्या हो जाएगा मेरा, सी का क्यूब हो जाएगा प्लस सी का स्क्वायर, सी का क्यूब हो जाएगा सी का स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर सी, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स के पावर में हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस
सी ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब हो जाएगा, प्लस ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, एक्स के पावर में सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ए प्लस ए के ए का स्क्वायर सी, नीचे में है आपका ए के पावर में एक्स सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए का क्यूब। ठीक है, ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हम इस साइड वाले को सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस साइड वाले को। इसके बाद क्या होगा, अब हम सबको क्या करेंगे, अब मेरा देखिए ये बेस में एक्स है, इसमें भी एक्स, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा ए का क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अगेन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का ए बी स्क्वायर माइनस का बी क्यूब, यही मिलेगा मुझे। अब अगेन ये मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई रहेगा, एक्स के पावर में क्या हो जाएगा, बी का क्यूब प्लस बी का स्क्वायर सी प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस करेंगे बी स्क्वायर, अभी माइनस इसको करेंगे, बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी का क्यूब। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किए, इसको और इसको, अब हम इसको करें, इसमें भी बेस क्या है मेरा एक्स है, तो क्या हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाइड में एक्स, और उसके पावर में क्या हो जाएगा, सी का क्यूब प्लस सी का स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर सी माइनस ए सी का स्क्वायर माइनस सी ए का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए का क्यूब। ठीक है, अब हम इसे काटेंगे, जितना वैसे काटेंगे, ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर, यहाँ भी ए बी स्क्वायर है, ये इससे कट हो जाएगा, ए स्क्वायर भी है, ये भी इससे कट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इधर एक्स के पावर में क्या, बी स्क्वायर सी है और माइनस बी स्क्वायर सी है, ये कट जाएगा, बी सी स्क्वायर है और माइनस बी सी स्क्वायर, ये कट जाएगा, अगेन ए स्क्वायर सी है, यहाँ पे ए स्क्वायर सी है, ये कटेगा, ए सी स्क्वायर है, यहाँ भी ए प्लस का ए स्क्वायर सी है, सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर ए, हाँ ठीक है, कटिए। नेक्स्ट अब हमें क्या मिल रहा है, अब हम ऊपर अप करें, दिस क्वेश्चन यू ऑल हैव रिटन, दिस क्वेश्चन ये हमें प्रूफ करना है, एक्चुअली वन हमें प्रूफ करना है, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स के पावर में ए का क्यूब हो जाएगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स के पावर में क्या हो जाएगा, बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई ए के पावर में क्या, एक्स के पावर में क्या हो जाएगा, सी का क्यूब माइनस जो जो बच रहा है उन सबको लिखना है, माइनस क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास सबका बेस क्या है, मल्टीप्लाई में एक्स ही है, तो हम एक कॉमन एक्स ले लेते हैं। अब हमें क्या करता है, जब मल्टीप्लाई का प्रोसीजर रहता है तो हमें क्या रहता है, ऊपर वाले को क्या करना रहता है, हमें ऐड करना रहता है, तो ऐड करेंगे, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस ए का क्यूब। हम देख रहे हैं सारे के सारे वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए, तो हमें क्या मिल रहा है, एक्स के पावर में जीरो विच इज वन, यही मेरा आर एच एस है, टू, क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो एक्सपोनेंट के सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, एक्सपोनेंट के सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ये आपका प्रूफ जो दैट है, प्रूफ दैट ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन है जिसे मैंने सॉल्व करवाया, नॉर्मली सारे क्वेश्चन एक और प्रूफ दैट करवा देते हैं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन इज एक्स के पावर में ए डिवाइडेड बाय एक्स के पावर में बी इन ब्रैकेट क्या है सी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स के पावर में बी डिवाइडेड बाय एक्स के पावर में सी होल्ड ए मल्टीप्लाइड एक्स के पावर में सी डिवाइड बाय एक्स के पावर में ए होल बी इज इक्वल टू वन, हमें ये वन प्रूफ करना है। ठीक है,
ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो विल सी, सबसे पहले हमें देखना रहता है लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे ए के पावर में, एक्स के पावर में, मेरे को पता है बेस देख सकते हो, बेस क्या है कॉमन है, पावर क्या है डिफरेंट है। तो सबसे पहले मेरा ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, इसको हमें सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स के पावर में ए सी डिवाइड बाई एक्स के पावर में बी सी हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स के पावर में यहाँ क्या हो जाएगा बी ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स के पावर में सी ए, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स के पावर में सी बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स के पावर में ए बी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये बेस क्या है, सेम है, बेस सेम हो जाएगा तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है, तो ए सी माइनस बी सी हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स के पावर में सेम, यहाँ भी बेस सेम है, आपका पावर डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन होता है, डिवाइड में क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है, बी ए माइनस सी ए, मल्टीप्लाई एक्स के पावर में क्या हो रहा है सी बी माइनस ए बी, ठीक है। अब ये क्या, अब मेरे पास अगेन बेस सेम है लेकिन ये मल्टीप्लाई का केस है, यहाँ पे क्या था डिवाइड का केस था तो हम क्या किए माइनस किए, यहाँ पे मल्टीप्लाई का केस है तो अब हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे एक्स, अब इसको ऐड करेंगे इससे ए सी माइनस बी सी, अगेन बी ए माइनस सी ए प्लस सी बी माइनस का ए बी, ये क्या हो जाएगा सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, ये सारे आपस में कट जाएंगे, सारे आपस में कट जाएंगे, बी सी कहाँ ये इधर था बी ए, वेट वेट ए सी बी सी, ए सी यानी ए सी से कट गया, हाँ ये से कट जाएगा बी ए और ये से कट जाएगा, एक्स के पावर में क्या होता है जीरो हो जाएगा, तो आपको क्या प्रूफ हो जाएगा वन, किसी के भी पावर में जीरो क्या हो जाएगा प्रूफ, ये क्या है मेरा ये राइट हैंड साइड है प्रूफ, क्लियर। तो ये आज मेरा एक्सपोनेंट चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, अगर आप लोगों ने ध्यान से सब चीज देखा है तो दिस विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू रियली, थैंक यू सो मच।